जैसा कि आप वीडियो के टाइटल में देख चुके हैं कि इम्पोर्टेंट तिथियां, इम्पोर्टेंट डे के बारे में मैं बताने जा रहा हूं। ये देखिए, जनवरी के बारे में बताने जा रहा हूं कि जनवरी में कौन से डे इम्पोर्टेंट होते हैं। लुईस ब्रेल दिवस 4 जनवरी, और ये मैं किसी एक पर्टिकुलर पेपर के लिए नहीं बता रहा हूं आपको कि SSC के लिए, DSSB के लिए या RRB NTPC के लिए। लगभग ये कॉमन टॉपिक है और ये सभी पेपर में, सभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि ये वाला डे कब मनाया जाता है, ओजोन डिप्लीशन डे कब मनाया जाता है, उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, या कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाया जाता है। ये सब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इस कंपटीशन के ज़माने में एक एक नंबर से आप पेपर पास करेंगे, एग्ज़ाम क्लियर करेंगे और एग्ज़ाम में रह जाएंगे जो कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप एक एक नंबर को प्रिपेयर करते हुए चलिए। मोस्टली जो वीडियो डाली गई है, ये इसीलिए डाली गई है कि इसलिए अपलोड की गई है कि आप धीरे धीरे एक एक सब्जेक्ट को लेते हुए, कंप्लीट करते हुए चलें। ऐसा नहीं है कि आप जनरल नॉलेज में सब चीज़ पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। पहले आप डेज पढ़िए, फिर संविधान की मैं वीडियो लाऊंगा। और आप अगर ऐसी वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल का लास्ट में लोगो और मेरे चैनल का लास्ट में लिंक है, उसे आप सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आने वाले समय में आपके लिए NTPC के मॉक टेस्ट और ग्रुप डी के मॉक टेस्ट भी अवेलेबल कराऊंगा, जिससे आपको प्रैक्टिस में काफ़ी मदद मिलेगी। आप देख लीजिए, मैंने इसके अंदर 12 के 12 महीनों के इम्पोर्टेंट डे कवर किए हैं। आप वीडियो पॉज कर या कैसे भी वीडियो की स्पीड स्लो कर आप इन्हें लिख सकते हैं, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। जनरली आप इनको बस याद करने की कोशिश ना करें, आप इन्हें पढ़ें 8 से 10 बार। अगर आप इन्हें पढ़ेंगे तो आपको ये सिंपली याद हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इन्हें याद करने जाओगे, एक एक मंथ के याद करोगे, तो शायद आपको ये याद ना हो पाए, क्योंकि लगभग 120 से 25 डेज हैं ये, तो इतने तो याद करना असंभव है। फिर भी आप इन्हें समझदारी से सिर्फ पढ़ें कि कौन सा किस मंथ में आता है। जैसे जो कम ओजोन डिप्लीशन है वो सितंबर में आता है, और जो योग दिवस है वो 21 तारीख को आता है, तो कौन सी 21 तारीख को आता है। और हाइड्रोग्राफी डे और योग दिवस दोनों एक ही दिन मनाए जाते हैं। ये सब आपको पता होना चाहिए कि क्या पूछा जा रहा है, क्या नहीं पूछा जा रहा है। तो आप अगर ये चीज़ें कंक्लूड कर लेंगे या इनका पता कर लेंगे कि कौन से महीने में कौन सी चीज़ें पूछी जा रही हैं, तो आप आसानी से एक या दो नंबर SSC या किसी भी एग्ज़ाम में, एंट्रेंस एग्ज़ाम में ले पाएंगे। लेकिन अगर आप याद करने जाएंगे तो शायद आप याद करने में बहुत दिक्कत हो। हाँ, बहुत अच्छे नॉलेज होगी, याद करने की शक्ति अच्छी होगी, तो आप कर भी पाएंगे। पर मेरा जो तरीका है वो ये है कि आप इन्हें पढ़ें और 8 से 10 बार कम से कम पढ़ें, तो आपको ये आसानी से याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू। यह है मेरे चैनल का नाम और यह है मेरे चैनल का लोगो। कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।